Hello guys, good evening, sorry, good morning, happy Independence Day to each and every one of you who is watching me. Welcome Yash, Udit, Kirti, Mohita, Ajay, Divya, aap sabhi ko Independence Day ki hardik shubkamnaye. Welcome guys, welcome to this special session. I welcome each and every one of you to this auspicious day for our country. Welcome Yash, Rajesh, Prashant, welcome guys. So dosto, aaj hum ek bahut hi special session leke aaye hain aapke liye on this eve of independence. Yahan par hum baat karne wale hain hamare pehli us battle ki jo India ne azadi ke turant baad ladi. So aap sabko कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए मैंने सेशन अरेंज कराया है. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. आई ऑफिशियली वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अन अकेडमी. मैं आपको बता दूं अपने बारे में, जितने भी लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, दिस इज मी गाइस, माय नेम इज अंशुम वर्मा. आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड. आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट. दीज आर माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. मैंने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है. In my post-graduation, I have done my master's in environmental science. Plus, I also hold a diploma in environmental law from World Wildlife Fund and National Law University. Then, guys, I have cracked UGC NET JRF exam. And I have a teaching experience of almost 10 years. Then, I have myself qualified CDS exam, guys, 7 times and got recommended as well. So, bilkul Ajay, main aapko ye sara details dunga. Just hold on. Aaj ka session पढ़ाई से हटकर है, थोड़ा सा स्पेशल सेशन है. बट गाइस, जब जब मैं लाइव आऊँगा, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इस टेलीग्राम चैनल पर अन अकेडमी के सारे एजुकेटर्स अपने अपने लिंक डाल देते हैं, सो आपको पता रहेगा. ठीक है, देन गाइस, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम चैनल पर. आई कम एवरी डे लाइव एट 11 AM. ठीक है, मंडे टू सैटरडे ये सेशन मैं रोज लेता हूँ लाइव एट 11 AM. यहाँ पर जो मैं सीरीज आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, थाउजेंड स्टेप्स टू योर यूनिफॉर्म, थाउजेंड स्टेप्स टू योर यूनिफॉर्म, यहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं वीकली सब्जेक्ट वाइज. मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए आपको, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कराए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करा दिए. मंडे ऑनवर्ड्स मैं आपको करंट अफेयर, डिफेंस का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स के जरिए, और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाऊंगा. सो मंडे ऑनवर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ. साथ ही गाइस, आप हमारे इन 10 चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए. इन 10 का मतलब यहाँ पर 10-10 मिनट में कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस आपको मिलती हैं. ये वीडियोस आपको एनलाइटन करेंगी किसी भी टॉपिक पर बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में. देन गाइस, डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट पर मंडे टू फ्राइडे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लाइव आता हूँ 5 बजे फॉर योर डेली SSB प्रैक्टिस. जितने भी लोगों की SSB है उनके लिए सेशन मैंडेटरी है, और जिन लोगों को अभी SSB के बारे में काफ़ी कुछ जानना है वो भी इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं इस सेशन से. मंडे टू फ्राइडे ये सेशन होता है. ठीक है, ऑल्सो गाइज, जिसने भी अभी तक मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं करा है, आप मुझे जल्द से जल्द अन अकेडमी पर फॉलो कर लें. यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आता हूँ बहुत सारी स्पेशल क्लासेस. दी स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आप इसमें अटेंड कर सकते हैं, आपको नॉलेज भी मिलेगा, प्लस यहाँ पर इन क्लासेस को देखकर नॉलेज के साथ साथ आपको और क्या मिलता है, यू गेट सम क्रेडिट पॉइंट्स. क्रेडिट पॉइंट से दोस्तों आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है. देन गाइस, मेरा पॉलिटी का बैच चल रहा है ऑन अन अकेडमी प्लस. इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं, सो आप जुड़ना चाहते हो तो तुरंत आज ही सब्सक्रिप्शन ले लो और अपने डिफेंस एग्जाम के सपने को सच करो. इज इट क्लियर? देन गाइस, मैं आपको सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बता दूं, बट उससे पहले मैं क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ. पूरा SSB कोर्स मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रीनिंग, PPDT एंड GD एट द स्क्रीनिंग लेवल, साइकोलॉजिकल टेस्ट. जो भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो टैट हो, वैट हो, SRTs हो,
SDs हो, मैं पर्सनली असेसमेंट करके आपको ये सब दूंगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके अनअकैडमी के साथ जुड़ेंगे। देन ऑलमोस्ट GTO, पूरा GTO मैं यहाँ पर आपको कवर करा दूंगा, सारी टेक्निक्स आपको GTO की यहाँ पर बता दूंगा, साथ ही इंटरव्यू टेक्निक एंड PIQ टेक्निक भी आपको हेल्प करा दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। वेलकम नदीम, जय हिंद, आकाश वेलकम। देन गाइस, साथ ही मेरा पॉलिटी का बैच अभी चल रहा है रिटर्न के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्योग्राफी में नेक्स्ट मंथ लॉन्च करूंगा, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ये सब भी मैं बहुत जल्द आपके एग्जाम से पहले कवर करने की कोशिश करूंगा। स्टैटिक GK फॉर FCAT एंड INET, मैं डिफेंस इन 10 चैनल पर भी बहुत सारी इसकी वीडियोज डाली हैं, आप उसको देख सकते हो, बट इसका मैं अलग से कोर्स भी लॉन्च करूंगा। और गाइस, सबसे यूनिक कोर्स है मेरा ये करंट अफेयर विद अप्लाइड GS कोर्स, यहाँ पर करंट अफेयर को GS के साथ लिंक करके मैं पढ़ाता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा रिटर्न एग्जाम में ही नहीं बट SSB में भी, ठीक है। SSB में भी ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, क्योंकि स्ट्रेट अवे आपको एडवांटेज मिलता है, GDs में आपको एडवांटेज मिलता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आगे लेक्चरेट में। करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज आपको आना चाहिए गाइस, अगर SSB में आपको बाकी कैंडिडेट से आगे आउट परफॉर्म करना है। सो वेलकम सूर्य प्रकाश, या डेफिनेटली कीर्तिका, यू कैन व्हाट्सएप मी। नाउ गाइस, दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्लान। नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गिव एग्जाम्स इन 2021, अगर 2021 के सारे डिफेंस एग्जाम आप देना चाहते हो, आप लगभग 10 से 15 डिफेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो, सो गाइस आप ले सकते हो ये वाला प्लान, 12 मंथ्स का प्लान, 8800 रुपीज इसका कॉस्ट है, ठीक है। और जैसे ही आप मेरा कोड लगा दोगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और सिर्फ पे करना होगा 7920 रुपीज। नाउ गाइस, 24 मंथ्स का पैक उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th 11th 12th में है और NDA की तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है दोस्तों, तो आप 24 मंथ्स का पैक ले लो, और सस्ता पड़ेगा जस्ट 480 रुपीज, 11,500 रुपए आपको पे करना है और आप जुड़ जाओ अनअकैडमी के साथ, 2 साल के लिए आपको बस ये कोड अप्लाई कर देना है, ठीक है। साथ ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि गाइस अभी आपके पास भी समय है CDS की तैयारी करने के लिए। सो वेट मत करो कि थर्ड ईयर में आकर मैं कोर्स लूंगा, कई बच्चे फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर रहे हैं, तो जो जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेगा गाइस, वो उतना ज्यादा परफेक्शन के पास पहुंचता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वो उतनी जल्दी चीजों को समझेगा, उसके बाद आप चाहे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अपनी तैयारी खुद भी कर सकते हो, क्योंकि एक डिसेंट लेवल ऑफ नॉलेज आप ले लोगे। अच्छा, एक सब्सक्रिप्शन में गाइस आपको सब कुछ मिलता है, मेरे GS प्लस SSB के कोर्सेज के साथ साथ आपको पढ़ने को मिलेगा मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, इन शॉर्ट सब कुछ, सब कुछ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, और जो भी लर्नर मेरा कोड लगा के आएगा गाइस, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, वीकली टारगेट्स दूंगा, एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा मैं बहुत जल्द, जिसमें सारे बच्चों को मैं कॉमन टारगेट दिया करूंगा और आप मुझे अपनी वीकली रिपोर्ट सबमिट करोगे और मैं उसको मॉनिटर करूंगा कि आपने कितना पढ़ा है इस हफ्ते। सो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज ये टारगेट्स होंगे, बट ये उन्हीं बच्चों के लिए होंगे जो मेरा कोड अप्लाई करता है, ठीक है। ओके, सो ऑल दोज पीपल हु हैव जॉइंड मी फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज हम एक बहुत ही स्पेशल सेशन करने वाले हैं, इंडो पाकिस्तान वॉर 1947-1948, इन चोरों को हमने पटका था आज़ादी के तुरंत बाद, बट उससे पहले मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा देश के इस स्पेशल ओकेजन में। 15 अगस्त दोस्तों, ये आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली है, बहुत सारे बलिदानों के बाद ये आज़ादी को पाया गया है, ठीक है। सो फटाफट इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा लाइक कर दो और सपोर्ट कर दो, ठीक है, थोड़ा सा लाइक कर दो वीडियो को, सपोर्ट कर दो, और फिर शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्या आप सब तैयार हैं फॉर टुडेज सेशन? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हमने इन पाकिस्तानियों की मां बहन करी जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस? सो गाइस, फटाफट गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो गाइस,
द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द सेपरेशन. जैसे ही सेपरेशन अनाउंस होता है 3 जून 1947 को, दो देश इंडिया और पाकिस्तान एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं. दोनों देश को आज़ादी मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाती है. बट तभी से ही ये आपका जो पहली वॉर, फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, वॉज वॉर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ गाइस, ये एक्चुअली हुआ क्या था, आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जिनको आज हम रजवाड़ों के नाम से जानते हैं. ठीक है, रजवाड़ों के नाम से जाना जाता है. अब इन रजवाड़ों को ब्रिटिशर्स ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत, उनकी पॉलिसी थी गाइस डिवाइड एंड रूल, उन्होंने हर पॉसिबल वे से कोशिश करी इंडिया को डिवाइड करो और रूल करो. तो इन प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दिया गया, 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थी और ये इनको ऑप्शन दे दिया गया कि या तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाओ या आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ या अपना इंडिपेंडेंट देश खुद एस्टैब्लिश आप कर सकते हो. ये इनके पास तीन ऑप्शंस थे. सो लगभग सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला करा. बट टेक्निकली तीन ऐसी स्टेट्स थी जिनके जिनको थोड़ी सी खुजली थी. सो गाइस, आप बता सकते हो वो तीन स्टेट्स कौन कौन सी थी? नई जिज्ञासा, आज पढ़ाई नहीं है, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है. हर रोज पढ़ाई कर रहे हो ना, आज आपके लिए एक स्पेशल सेशन है. ये स्पेशल सेशन गाइस आपको SSB में भी बहुत हेल्प करेगा. जरा फटाफट बताओ वो तीन प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन सी थी जो इंडिया में शामिल होने से मना कर रही थी. एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, जितने भी लोग अब इसको देख रहे हैं. यस गाइस, वो तीन स्टेट्स थी आपकी. सबसे पहले थी J&K, फिर थी आपकी हैदराबाद और जूनागढ़. नाउ गाइस, हमने तीनों को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करा. नाउ गाइस, कैन यू गाइस टेल मी हु वॉज द पाइनियर हु इज यू नो स्टिल रिकग्नाइज हिज एफर्ट्स टू कंबाइन दीज प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया. ऐसे कौन से महान शख्स थे जिन्होंने जिनको श्रेय दिया जाता है इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में जोड़ने के लिए? कैन यू नेम दैट गाय? यस, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों इसका श्रेय दिया जाता है. ठीक है, सारी प्रिंसली स्टेट में उनका इन्वॉल्वमेंट था एक्सेप्ट J&K, और J&K की हालत आप आज भी देख रहे हो क्या है. ठीक है, और इन्हीं के नाम से स्टैचू ऑफ यूनिटी और यूनिटी डे भी मनाया जाता है. ठीक है, नेशनल यूनिटी डे भी इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है. ओके, नाउ गाइस, हैदराबाद को हमने कैसे इंक्लूड करा? हैदराबाद के जो रूरल थे वो थे निज़ाम साहब. अब निज़ाम साहब के थोड़े से रिश्तेदारी थी पाकिस्तान में, तो निज़ाम साहब फेवर कर रहे थे पाकिस्तान का. वेयर एज यहाँ पर जो आम जनता थी, जो आवाम थी, वो थी हिंदू, और वो सारे फेवर कर रहे थे मेजॉरली, और इसमें बहुत सारे मुसलमान भी थे जो कि फेवर कर रहे थे इंडिया का कि भाई हमें इंडिया के पास जाना है, इनकी रिश्तेदारी है तो हम क्या करें, हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं. सो हैदराबाद में इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए और निज़ाम साहब की फोर्सेस से निपटने के लिए पुलिस एक्शन करा गया. पुलिस को भेज दिया गया और पुलिस पहुंच गई लठ लेकर. आपको पता ही है पुलिस कैसे चलती है, आपने अभी कोरोना टाइम में भी देखा है. सो पुलिस ने बोला हाथ खड़ा करो भाई, किस किस को जाना है पाकिस्तान, हाथ खड़ा करो. तो उनको जो दे दे के मारा समझ लो लाल कर दी गई. सो हैदराबाद को मिला दिया गया इंडिया के अंडर. करेक्ट, ऑपरेशन पोलो वॉज द नेम. देन गाइस, जूनागढ़. जूनागढ़ में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन थी, पर जूनागढ़ की थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक होल्डिंग थी. सो यहां पर हमने जो इसको सब्ज्यूम करा इंडिया के अंडर, वो एक प्लेबिसाइट या जनसंग्रह के जरिए इसको इंक्लूड करा भारतीय एरिया में, इंडियन टेरिटरीज में. यहां हमने एक प्लेबिसाइट करा दिया और लोगों से मतलब एक डायरेक्ट वोट करा दिया गया. ठीक है,
So this was how this Hyderabad and Junagadh was handled. But the kingdom of J&K under Raja Hari Singh, now this chacha was dreaming of to establish an independent kingdom. ये चचा जान establish करना चाहते थे independent kingdom. ये देख लो, ये रे चाचा हरी सिंह, ये भाई साहब को विधायकी चाहिए थी, ठीक है, इनको यूपी भेज देते, यूपी में कर लेते विधायकी, वहाँ के एरिया में गुंडागर्दी कर लेते, बट इनको वहीं करनी थी. इज इट क्लियर? सो अब इसमें पाकिस्तान भी नजर गड़ाए बैठा था आपका कश्मीर पर. नाउ गाइस, व्हाई पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड इन कश्मीर, ये इशू आज भी एसएसबी में कई बार आता है. इंटरव्यूइंग ऑफिसर कई बार ये पूछ सकता है, जीडी में कई बार ये बहस छिड़ सकती है, ठीक है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इट इज द रीजन वाज द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड द स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज ऑफ कश्मीर. नाउ एक एक करके बात करते हैं गाइस. आप मुझे बता सकते हो ज्योग्राफिकल क्या एडवांटेज है कश्मीर के पास? व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एडवांटेज? बाय द वे, जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल आप नीचे देख रहे हो, क्रैक डिफेंस एग्जाम विद अंशुम. मैं अपने सारे यूट्यूब वीडियोस के पीडीएफ्स यहां भेज देता हूं, जब जब मैं लाइव आता हूं लिंक्स यहां भेज देता हूं. आप सबको ये लिंक्स और डाउट्स वगैरह आप मुझे यहां पर सेंड कर सकते हो. साथ ही किसी को अगर ये पूछना है तैयारी शुरू कैसे करनी है, कैसे अप्रोच करना है सीडीएस एग्जाम को, एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है. 8595554395 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए. सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो सब मैं आपको बताऊंगा. नाउ हिमालयस, नो गाइस, हसीन वादियां, खुला आसमान. प्रवीण भाई, हसीन वादियां तो और भी कहीं है, यहीं पर क्यों इंटरेस्ट है कश्मीर में? ज्योग्राफिकल क्या एडवांटेज है? नाउ गाइस, असली एडवांटेज है वाटर, पानी. ह्यूमन सिविलाइजेशन भी दोस्तों इसी रीजन में डेवलप हुई है, जिसे आज आप पंजाब रीजन से जानते हो. पंजाब सिर्फ इंडिया वाला पंजाब नहीं, ये पूरा पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 3/4 रीजन पंजाब कहलाता है, ठीक है. यहां पर है बहुत सारी नदियां, पर्टिकुलरली 6 बड़ी नदियां, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस, झेलम, चेनाब. ये 6 बड़ी नदियों का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान को पानी पिलाता है, ठीक है. अगर ये नदियों का पानी रोक दिया जाए तो पाकिस्तान दोस्तों प्यासा मरेगा. सो एक रीजन जो है, एक रीजन ज्योग्राफिकल अगर आप कहो दैट वाई पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड इन कश्मीर इज बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स. ये रिवर्स ही एक इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है. अच्छा, देन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बताओ कश्मीर में ऐसा क्या है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है, ये बताओ जरा मुझे. और फटाफट गाइज इस वीडियो को लाइक कर दो जिसने भी अभी तक नहीं करा है. अभी शुरू ही हुआ है और आपको खत्म करने की जिन में आपको पता वो लग गया. आज तो बस रिलैक्स करो यार, टुडे इज अ डे दैट यू शुड रिलैक्स. आजादी मनाओ इस देश के नाम. मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल चीजें बता रहा हूं, आज पढ़ाई नहीं करा रहा, ठीक है. करेक्ट गाइस, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है इसकी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो इंडिया को कैप्चर करने में या इंडिया पर नजर रखने में या कल को इंडिया पर एडवांस करने में उनको मदद करेगी. साथ ही गाइस, अगर आपने पढ़ा हो एंशिएंट ट्रेड रूट, एंशिएंट ट्रेड रूट भी कश्मीर से होकर गुजरता है. सो स्ट्रेट अवे एक कनेक्टिविटी बनती है कश्मीर की पूरे एशिया से, ठीक है. सो एक कनेक्टिविटी, दूसरा एडवांस एट इंडिया एट सम स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स, कुछ मिलिट्री पॉइंट्स यहां पर मौजूद हैं. सो इस वजह से ये पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो अब इस कश्मीर को हथियाने के लिए जिन्ना भाई साहब ने क्या करा, कम्युनल डिस्टॉर्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया कश्मीर वैली में, ठीक है. कम्युनल डिस्टॉर्ट कैसे करा इन्होंने, प्रवोक करे. अब देखो गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कुछ करा सकती है, बेरोजगारी बहुत कुछ करा सकती है. फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, मैं आपको बोलूं मैं आपको 500 रुपये देता हूं, पड़ोसी का घर फूंक दो, तो
तो कई तो खामा का ऐसे ही फूक देंगे टाइम पास के लिए, क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ट्राइबल लश्कर हुआ करते थे जिनको मिलिशिया बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर पख्तूनस, अगर आपने सुना हो, पख्तून ट्राइब्स हैं, पठान ट्राइब्स हैं, इन सबको माइंड वॉश करके इंडिया में एंटर कराया गया पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। इनका जो मेन एम था, इट वॉज टू कैप्चर कश्मीर एंड द फ्यूचर ऑफ विच हंग इन द बैलेंस। नाउ दीज इंसर्जेंट अटैक स्टार्टेड इन कश्मीर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल अटैक एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी एज देयर सोल्जर्स गॉट डिस्गाइज्ड विद द ट्राइबल्स। नाउ गाइस, अब ये ट्राइबल लोग थे, इनको वॉरफेयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। सो इसमें पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट सपोर्ट कैसे दिया, अपने सैनिकों को डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व कर दिया, यानी बहरूबिया के तौर पर उसमें शामिल कर दिया। अब दिखने में वो लगभग एक जैसे थे, वही पहनावा ओढ़ लिया गया, वही सब कुछ ओढ़ लिया गया, और पूरी तरीके से एम्यूनेशन, रेडियो ट्रांसमिशन, बड़े बड़े मशीन गन, मोटार्स, इन सब के हाथ में दे दिए गए, इन ट्राइबल्स, इन मिलिशियाज, इन लश्करों के हाथ में दे दिए गए, ठीक है। उस टाइम पर लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, राजा हरी सिंह से मिलने जाते हैं और उनको ऑप्शन देते हैं कि भाई इंडिया को ज्वाइन कर लो, आपको हम इन्फेंट्री डिवीजन का सपोर्ट दे देंगे। बट ये चाचा अपनी विधायकी में लगे हुए हैं, चाचा विधायक है, चाचा कहते ना भैया हम हैंडल कर लेंगे। अब इन लश्कर्स ने क्या करा, जगह जगह पर जगह जगह पर वायलेंस करना शुरू करा, छोटे छोटे पॉकेट्स में। नाउ ये जो थोड़ी बहुत जो राजा की जो फौज थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, और एग्जैक्टली जिन्ना का प्लान यही था कि राजा की फोर्सेस को इधर उधर बांट देना और अल्टीमेटली राजा सरेंडर कर देगा इनके आगे, ठीक है। नाउ द रिपोर्ट्स ऑफ द टेंशन इन डिफरेंट एरियाज डिवाइडेड द आर्मी ऑफ राजा एंड दिस वॉज द प्लान ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही ब्रूटल राइड्स गाइज यहाँ पर शुरू कर दिए गए थे इन मिलिशियाज द्वारा। इन्होंने कोई धर्म नहीं देखा, ऐसा मत समझना कि ये रिलीजन स्पेसिफिक था, इन्होंने बस आतंक मचाया। इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स करे, रेप करा, प्रॉपर्टीज पर कब्जा करा, जितना भी पैसा था, ज्वेलरी थी, हर कुछ लूट लिया गया। वुमेन्स वर अबडक्टेड लिटरली एंड वर टेकन बैक टू दी वजीरिस्तान रीजन, ठीक है। सो ये सब बहुत ही ब्रूटल स्केल पर इन्होंने शुरू करा। नाउ गाइस, अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा अटैक इन्होंने करा वो था 24 अक्टूबर 1947 को बारामूला पर, ठीक है। बारामूला पर इन्होंने अटैक कर दिया। आप अक्सर सुनते हो कि बारामूला आज भी न्यूज़ में रहता है, क्योंकि एक वन ऑफ द फॉरवर्ड रीजन्स में से है। लगभग 5 से 10 किलोमीटर आगे आप श्रीनगर से चलना शुरू करोगे तो आपको बारामूला आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बारामूला की डिस्ट्रिक्ट में आप एंटर कर जाओगे। नाउ दिस वॉज सराउंडेड एंड वॉज प्लंडर्ड बाय द लश्कर्स। द इम्पॉर्टेंट रोड लिंक्स टू कनेक्टिंग बारामूला टू श्रीनगर वर कट डाउन। लश्करों ने क्या करा, सारे इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स को काट दिया, वैली को एक तरीके से अलग थलग कर डाला, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस सामने आया किसके, हमारे पूरे बारामूला के रीजन में। नाउ अब हरी सिंह को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और इन्होंने अब इंडिया से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला करा। ये वाली डेट गाइस इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। अब बारामूला में इतनी ज़्यादा लूटमार कर दी, दे प्लंडर्ड बारामूला टू अ दैट ग्रेट एक्सटेंट गाइस कि इनके पास वो लूटा हुआ सामान रखने की जगह तक नहीं थी। सो इन सारे लश्करों ने अपने आप को वापस थोड़े थोड़े पार्ट्स में ये वापस जाना शुरू हुए ताकि लूटा हुआ सामान अपने घर छोड़ के आया जा सके। एंड दे हैव ऑल्सो अबडक्टेड सम वुमेन एज वेल। नाउ व्हेन इंडिया यू नो एसीडेड, व्हेन दिस कश्मीर एसीडेड विद इंडिया, अब इंडियन आर्मी को मौका मिल गया था, ठीक है, अब इंडियन आर्मी को मौका मिल गया था दैट दे कैन मूव टूवर्ड्स देयर न्यू टेरिटरी दैट इज कश्मीर, ठीक है। अब जिन्ना भाई साहब, वेरी गुड कुणाल, ये बारामूला एक तरह से आउटपोस्ट थी हमारी, श्रीनगर के आउटपोस्ट थी।
ये जिन्ना भाई साहब अपने इस प्लान से जो कि इन्होंने कम्युनल डिस्ट्रेस क्रिएट करा था इससे इतना खुश थे कि इन्होंने प्लान कर लिया था कि मैं विक्ट्री मार्च निकालूंगा श्रीनगर में, इन्होंने प्लान कर लिया था कपड़े क्या पहनूंगा, कौन सी गाड़ी में जाऊंगा, ये सब प्लान बना रहे थे। बट जैसे ही इनको इंडिया की मूव के बारे में पता चला, इनको कह लो कि लिटरली सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि अरे भाई ये कहाँ से हो गया, भारतीय फौज बढ़ रही है किसकी तरफ, श्रीनगर की तरफ। तो भारतीय फौज ने इस टाइम पर एयरफोर्स ने कई ऐसे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई और कुछ सैनिकों की टुकड़ी वहां पहुंचाई गई। अब इस रिटेलिएशन में पाकिस्तान के जिन्ना ने उस टाइम पर पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर जनरल सर डगलस ग्रेसी ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस को ऑर्डर दिया कि आप भी श्रीनगर की तरफ अटैक कीजिए। बट नाउ गाइस, दिस डगलस ग्रेसी वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर एंड इवन इंडिया एट दिस टाइम वाज अंडर द ब्रिटिश रूल इनडायरेक्टली। द फोर्सेस, हमारी फौज आज भी ब्रिटिश कमांडर्स के अंदर काम कर रही थी। तो भाई डगलस भाई साहब ने मना कर दिया कि भाई वो इंडिया का पार्ट बन चुका है और हम उन पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि ये अंडर इंडियन सॉवरेनिटी है। सो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये सब करने से मना कर दिया। अब एक मेन रीजन दोस्तों ये था कि दोनों साइड की फोर्सेस वॉज कमांडेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स ओनली, ठीक है। सो दिस इज वॉट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम। यहां तक कहानी समझ आ रही है आपको? उसके बाद गाइस, इंडियन फोर्सेस ने जो सबसे पहले अपना जो ब्रिगेड भेजा वो लेड करा दैट ब्रिगेड वॉज कमांडेड बाय अ वेरी यंग ब्रिगेडियर ऑफ 37 ईयर्स। 37 साल की उम्र में एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा जिसने 37 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिए थे कई ऐसी इंटरनेशनल वॉर से, ब्रिगेडियर LP सेन। इनको इनके कमांड में भेजा गया इन सारे लश्करों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। ब्रिगेडियर LP सेन वॉज सेंट टू यू नो अटैक ऑन दीज लश्कर्स एज वेल एज ऑन द पाकिस्तानी सपोर्ट। नाउ गाइस, दिस मीनवाइल द पीपल ऑफ कश्मीर वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग टू दीज लश्कर्स। दीज ट्राइबल लश्कर्स वर कंसिडर्ड एज मोस्ट ब्रूटल। गाइस, बहुत ही बेरहम माने जाते थे ये लश्कर। इन्होंने बहुत ही मैसिव स्केल पर वहाँ पर किलिंग्स करी हैं और ये धोखेबाज भी अपने आप में माने जाते थे। कई केसेस में ये अपने कमांडरों के ऑर्डर्स नहीं मानते थे और उनके अगेंस्ट धोखा देकर अपने मन चाही चीज़ें करते थे, ठीक है। सो धोखेबाज माने जाते थे ये। और ये जो इक्विप्ड थे, सबसे ज़्यादा इनको क्या लड़ना आता था, गुरिल्ला वॉरफेयर। ये गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। मराठा युद्ध में भी गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल होता था। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि जंगली एरिया में या बर्फीले इलाकों में या टफ टेरेन में छुपकर हमला करा जाता है, ठीक है। छुपकर हमला करा जाता है, जैसे ही आप छुपे घात लगा के हमला करा जाता है, ये घात लगा कर किसी भी फौजी टुकड़ी पर हमला करते और वापस भाग कर छुप जाते। सो टेक्निकली इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। नाउ ऐसी एक रिपोर्ट के कारण ब्रिगेडियर LP सेन ने अपनी 3 कंपनियों को बड़गांव के एरिया में भेज दिया। 3 कंपनियां भेज दी गई, ठीक है, इन सर्च ऑफ दीज लश्कर्स। बट दीज लश्कर्स दे वर मूविंग टुवर्ड्स श्रीनगर, ठीक है। देयर मेन टारगेट वॉज टू कैप्चर श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर इज द सेंट्रलाइज पॉइंट गाइज, वहां से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। श्रीनगर पर पूरा कश्मीर वैली आप कंट्रोल कर लोगे। मैं आपको अभी मैप में भी दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ दे डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू स्मॉलर ग्रुप, क्योंकि अगर बहुत बड़ी संख्या में लश्कर आगे बढ़ते तो इनको पहचान लिया जाता और इन पर डायरेक्ट अटैक करा जा सकता था इंडियन फोर्सेस द्वारा। बट इन्होंने अगेन विलेजर्स के अंदर वो छुप गए, यानी विलेजर्स में मिक्स हो गए, तो इनको पकड़ा जाना मुश्किल हो गया। नाउ ब्रिगेडियर सेन को ये लगा कि जो उनको खबर मिली है कि बड़गांव के एरिया में जो लश्कर हैं वो गलत है, उन्होंने 2 कंपनीज को वापस बुला लिया बट एक कंपनी को छोड़ दिया अंडर द कमांड ऑफ नन अदर देन मेजर सोमनाथ शर्मा। इज इट क्लियर गाइस? अंडर द कमांड ऑफ नन अदर देन सोमनाथ शर्मा, ठीक है। व्हाट इज हु इज दिस लॉयन हार्ट? आप देख सकते हो गाइस, अगली इमेज में आपको दिखेंगे आपके
ये लॉयन हार्ट मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या खासियत है दोस्तों, जितने भी नए बच्चे फौज की तैयारी करने के लिए शुरू हुए हैं, अभी जस्ट मोटिवेट हुए हैं गाइस, ये पहले शख्स हैं जिसको इंडिया का सबसे बड़ा ऑनर परमवीर चक्र मिला। ठीक है, ही इज नॉट जस्ट द परमवीर चक्र होल्डर, ही इज द फर्स्ट परमवीर चक्र होल्डर मेजर सोमनाथ शर्मा, अपने आप में वन ऑफ द लायन हार्ट। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूं कि इनको परमवीर चक्र क्यों मिला। वैसे मैं आपको बता दूं, जब इनको श्रीनगर जाना था, इनकी पोस्टिंग थी नहीं श्रीनगर, इन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ने के लिए उस पोस्टिंग को लिया। ही हिमसेल्फ वॉज फोर्स्ड हिज कमांडिंग ऑफिसर टू सेंड हिम इन द फॉरवर्ड पोस्ट। बाय द वे, जब ये फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजे गए, ये इनका हाथ फ्रैक्चर भी था। ठीक है, ही वॉज नॉट फिजिकली वेल बट स्टिल ही वॉन्टेड टू गो इन द फॉरवर्ड पोस्ट एंड फाइट फॉर इंडिया। सो वॉट हैपन ड्यूरिंग हिज कंपनी, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। नाउ गाइस, 3 नवंबर को वन कंपनी ऑफ पैरा कुमाऊ एंड 2 कंपनीज ऑफ 4 कुमाऊ वेंट ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ बड़गांव। ठीक है, वेल रिटर्निंग द डीकॉय ऑफ द 4 कमाउंड वॉज एम्बुश्ड बाय ऑलमोस्ट 700 रेडर्स, यानी 700 ट्राइबल लोगों ने इनके कमाऊ 4 कुमाऊ पर हमला कर दिया इन जस्ट नॉर्थ ऑफ बड़गांव एंड इन एन अटेम्प्ट टू प्रेस टूवर्ड्स द श्रीनगर एयरफील्ड। नाउ गाइस, ऐसे एरियाओं में एयरफील्ड का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि असली जो सप्लाईज पहुंचाई जा रही थी इस टाइम, या नए सैनिक ऐड करे जा रहे थे भारतीय फौज के द्वारा, वो इन एयरफील्ड्स के द्वारा ही करे जा रहे थे। सो लश्करों को ये आगे से ऑर्डर्स आ गए थे कि भाई सबसे पहले एयरफील्ड पर कब्जा करो। सो उस कब्जे को रोकने के लिए 4 कुमाऊं ने अपनी जान लगा दी, ये पूरी कंपनी ने जान लगा दी। सम रेडर्स हैज मर्ज्ड विद द पॉपुलेशन ऑफ बड़गांव एंड इन द फियर्स एंगेजमेंट द कुमाऊं कंपनी सफर्ड 15 फेटल एंड 26 नॉन फेटल कैजुअलिटीज। वन एम्युनेशन ट्रक वॉज ऑल्सो लूटेड बाय द रेडर्स एंड हु डिस्पर्स्ड आफ्टर अमंग द स्टाफ्ड फ्रॉम द एयर। नाउ गाइस, इन्होंने कई ऐसी लूटपाट, इनके हथियार लेके छीन के भाग गए। ठीक है, अब मैं आपको अगर मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में बताऊं, इस बैटल में मेजर सोमनाथ शर्मा खुद फायर नहीं कर सकते थे क्योंकि इनका हाथ फ्रैक्चर था, बट इन्होंने अपने सारे सैनिकों को हेल्प करी उनकी मैगजीन रिफिल करने में, उनको मोटिवेट करने में और कंटिन्यूस प्रेशर बनाए रखने में उन रेडर्स में। बट गाइस, ये आउट नंबर थे, लगभग ये 80 के आसपास इनकी कुमाऊं रेजिमेंट में बंदे थे और 700 लोगों ने इन पर अटैक कर रखा था। ठीक है, सो इस पॉस्टमसली इनको हुआ क्या था, इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उनका रेडर्स का एक मोटार इनके बारूद के लॉजिस्टिक सपोर्ट में गिर गया था, यानी जहाँ उन्होंने कन्फाइन करके रखा हुआ था सारा अपना असला, उसमें आकर एक बारूद एक मोटार गिर गया था, जिसके फटने की वजह से मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए। ठीक है, तो इनको पॉस्टमसली इंडिया का पहला परमवीर चक्र से नवाजा गया और इनका जो आखिरी मैसेज था अपनी यूनिट के लिए वो ये था, द एनिमीज आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेवीली आउट नंबर्ड। अब खुद इमेजिन कर लो, 700 बंदे अगर 80 पे हमला करेंगे, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर एंड आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड टू द लास्ट राउंड। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज वॉट मेजर सोमनाथ शर्मा हैज गिवन टू इंडिया, दिस करेज। ठीक है, इतने ज्यादा आउट नंबर होने के बाद इनकी यूनिट के कमांडर ने बोला भी था कि आप वापस आ जाओ, रिट्रीट कर दो, ठीक है, हम देख लेंगे उनको कैप्चर, रोक दिया जाएगा, आप आ जाओ वापस, बट ही डिडंट रिट्रीटेड, ही फॉट विद देम टिल हिज लास्ट ब्रेथ। इज इट क्लियर? नाउ गाइस, इसके बाद जो आपके ब्रिगेडियर एलपी सेन थे, अगर आप यहां पर देखोगे श्रीनगर एयरफील्ड यहां पर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के साथ एलपी सेन ने शालटैंग, एक बैटल ऑफ शालटैंग को, इसकी स्ट्रेटजी को बनाना शुरू करा।
ठीक है, एक बैटल ऑफ शार्क टैंक कही गई थी। अब एक्चुअली में हमें एक एयर एयर सर्वे में यानी निगरानी में, जब निगरानी कर रहे थे हमारे एयरफोर्स के प्लेन, तो हमने ये देख लिया कि लश्करों का एक बहुत बड़ा ग्रुप खुले खुले में कैंपिंग करे बैठा है। सो ये हमें पता लग गया था। सो इन्होंने, आपके एलपी सिंह ने एक बहुत ही डिसाइसिव स्ट्रैटेजी बनाई और शार्क टैंक को तीन तरफ से घेर लिया, इधर से भी इधर से भी। आगे ये बढ़ नहीं सकते थे क्योंकि आगे ऑलरेडी इंडिया की कंपनी थी, और पीछे से भी अटैक कर दिया, प्लस एयरफोर्स का भी अटैक कर दिया गया। ठीक है, सो दिस वॉज अ यूनिक सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी विच वॉज मेड बाय एलपी सेन। आफ्टर द मेजर एक्शन अ सीरीज ऑफ प्रोब्स एंड स्नीक इन्स वर कैरिड आउट बाय द एनिमी इनटू द श्रीनगर वाइल 161 ब्रिगेड कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन एट शार्क टैंक। सो इस शार्क टैंक में 161 ब्रिगेड ने इनको रोके रखा, आगे श्रीनगर की तरफ बढ़ने नहीं दिया, किसी भी इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, सो ये बैटल ऑफ शार्क टैंक आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर एक मेमोरियल भी है, आप इसको गूगल करके देखना, बैटल ऑफ शार्क टैंक, पूरी डिटेल आपको सामने आएगी। मैंने बस एक क्रक्स रखा है। देन गाइस, अब तक अगर आप देखोगे जो इंडिया का गिलगित वाला रीजन था, आप इंडिया के अगर मैप को समझते हो, इस गिलगित वाले रीजन में पाकिस्तान का ऑलरेडी कंट्रोल आ चुका था। ठीक है, और इस जगह पर पाकिस्तान ने एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करना, फाइनेंस करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगर सपोर्ट, जैसे ही इनको सपोर्ट करना शुरू करा ऑन कम्युनल ग्राउंड्स, तो ये पूरे गिलगित रीजन में ये स्प्रेड करा और एक नई सेपरेटिस्ट रजीम यहाँ पर एमर्ज हुई, जिसको आज़ाद कश्मीर, ये अपने आप को आज़ाद कश्मीर कहने लगे। आज भी दोस्तों ये जो आपकी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, ये आज़ाद पीओके में आज भी एक्टिव है। आज आज़ाद कश्मीर के कुछ ऐसे ग्रुप्स भी बन चुके हैं जो पाकिस्तान से भी अलग होना चाहते हैं और इंडिया से भी अलग होना चाहते हैं, वो अपना एक इंडिपेंडेंट रीजन मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत बड़े लेवल पर नॉन मुस्लिम्स के साथ अत्याचार करा गया इन सेपरेटिस्ट द्वारा, रेप्स वर कंडक्टेड, कश्मीरी पंडित्स पर उनको बहुत ज़्यादा मोलेस्ट करा गया। ठीक है, नाउ इस पॉइंट तक आपके पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ग्राउंड से कमांड करने के लिए कोई भी कमांडिंग ऑफिसर नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स थे वो थे ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन की सरकार ने मना कर दिया था कि आप J&K में किसी भी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अब ब्रिटिशर्स के पास एक ऑप्शन बचा था कि किसी इंडियन को कमांड सौंप दी जाए, फॉरवर्ड कमांड सौंप दी जाए, एंड दैट वॉज नन अदर देन दिस ब्रेव हार्ट। ही इज योर फर्स्ट फील्ड मार्शल, द 5-star रैंक ऑफिसर KM करियप्पा। ठीक है, सो सिंस द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर रेस्ट्रेन्ड इन एंटरिंग द वैली, इट वॉज नाउ द टाइम टू हैंड ओवर द कमांड टू एन इंडियन ऑफिसर। एट द टाइम द पाकिस्तानी ट्राइबल लश्कर्स वर अटैकिंग द कश्मीर एंड करियप्पा वॉज द इंचार्ज ऑफ इंडियाज आर्मी इन ऑपरेशन इन द रीजन। सो आप कह लो पहली बार इंडियन फोर्सेस को एक इंडियन कमांडिंग ऑफिसर मिला था J&K में। अब तक वो जो कमांड्स ले रहे थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की ही ले रहे थे। ठीक है, सो इनकी लीडरशिप में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बैटल्स को इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली हैंडल करा। ठीक है, आपकी नौशेरा एक्सेस को, जोजीला पास को, झांगार को, पुंज को, द्रास को, कारगिल को, ये सारे रीजन पर कबालियों का, ट्राइबल्स का, लश्कर्स का कंट्रोल था, पाकिस्तानी फोर्सेस का कंट्रोल था। इन सब को रिकैप्चर करा बहुत सारे ऑपरेशंस के जरिए, जिसमें कई मेजर ऑपरेशन है, ऑपरेशन किपर, ऑपरेशन ईजी, ऑपरेशन बाइसन एक्सेट्रा। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे अगर आप ये बात करो इस झांगार, पुंज, इस नौशेरा रीजन की, इनकी बहुत अपने आप में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है गाइस। ये देखो आप, ये रहा आपका झांगार, ये रहा आपका नौशेरा, ठीक है, ये है चंब, ये है आपका उरी, ठीक है,
ये आपका पुंज, ये सारे जो रीजन्स आप देख रहे हो, दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजिशन हेयर, ठीक है। अब झांगार और नौशेरा और उरी जैसे रीजन्स में पाकिस्तान ने लिटरली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फायर करना, एग्रेसिव आर्मी डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया था, और ट्राइबल्स की संख्या भी इस रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पर आपका झांगार, ठीक है, ये कैप्चर्ड, इन्होंने झांगार को कैप्चर करा एंड देन दे अटैक नौशेरा, बट इट वॉज अ अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट, नौशेरा को रोक दिया गया। बट ऐसे ही कई सारे अटैक ये कंटिन्यूसली करते रहे, उरी पर, नौशेरा पर पूरी कोशिश करते रहे, बट इंडियन फोर्सेस ने भी इनको बेनिफिटिंग रिप्लाई दे दिया, ठीक है। इन द साउथ ऑफ द माइनर इंडियंस अटैक सिक्योर्ड द चम एंड बाय दिस स्टेज ऑफ द वॉर द फ्रंट लाइन बिगेन टू स्टेबलाइज एज मोर इंडियन ट्रूप बिकेम अवेलेबल। नाउ इस झांगार को कैप्चर करने के लिए हमने ऑपरेशन विजय लॉन्च करा, ठीक है, और नौशेरा को भी कैप्चर करने के लिए हमने एक कंबाइंड ऑपरेशन लॉन्च करा, और इसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे इंडियन फौजी का नाम आता है जिसको लॉयन हार्ट ऑफ नौशेरा कहते हैं। नाउ गाइस कैन यू टेल मी नौशेरा का शेर किसे बोला जाता है? नौशेरा का शेर, लॉयन ऑफ नौशेरा, ये बोला जाता है उस्मान, मेजर जनरल उस्मान, नहीं ही वॉज नॉट मेजर जनरल, इनका रैंक मुझे याद नहीं आ रहा, बट ही वॉज यू नो द वन हु लेट द इंडियन फोर्सेस इन नौशेरा। इज इट क्लियर? नाउ इंडियन फोर्सेस लॉन्च्ड अ काउंटर अटैक इन द साउथ रिकैप्चरिंग झांगार एंड राजौरी अंडर ऑपरेशन विजय। इन द कश्मीर वैली द ट्राइबल फोर्सेस कंटिन्यूड अटैकिंग द उरी गैरिसन एंड इन द नॉर्थ स्कर्दू वॉज ब्रॉट अंडर द सीज बाय द गिलगित स्काउट। यहाँ पर गिलगित से आपके स्कर्दू रीजन में अटैक करे जा रहे थे, उरी में अटैक करे जा रहे थे, और साउथ में आपका कंटिन्यूस अटैक करा जा रहा था इस झांगार और राजौरी रीजन में। सो इंडियन फोर्सेस भी, यस ही वॉज ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, करेक्ट, थैंक यू अक्षता, ठीक है, ही वॉज अ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। इन्होंने भी प्लेज ले ली थी कि जब तक ये नौशेरा को नहीं जीतेंगे तब तक बेड पर नहीं सोएंगे, ज़मीन पर सोएंगे, इनकी भी वो ज़िद थी, और इन्होंने अपनी ज़िद को यू नो सक्सेसफुल करा और नौशेरा पर कैप्चर करा, ठीक है। नदीम यू कैन मेक द नोट्स आफ्टरवर्ड्स, मैं ये पूरी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। व्हाट इज योर एग्जैक्ट क्वेश्चन? ठीक है, यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, आई विल शेयर द पीडीएफ ओवर हेयर, और टेलीग्राम चैनल जिसको ना मिले आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आई विल शेयर द टेलीग्राम चैनल विद यू गाइस, इज इट क्लियर? नाउ गाइस देयर वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन विच वाज लॉन्च्ड विद फुल कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑपरेशन इजी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था कि जो भी हमारी ऑन ग्राउंड फोर्सेस थी, जो भी हमारी ऑन फील्ड यानी जो फील्ड पर लड़ने वाली फोर्सेस थी, उन्होंने इस ऑपरेशन इजी की खबर आर्मी हेडक्वार्टर तक में लगने नहीं दी। आर्मी हेडक्वार्टर्स में अभी भी ब्रिटिश जनरल्स ही मौजूद थे। सो इसको पुंज लिंकअप भी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, ये वाला रीजन है आपका पुंज। नाउ गाइस पुंज आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये तीन साइड से पीओके से घिरा हुआ है। यहाँ पर पुंज में अक्सर आप आए दिन आप सुनते होगे कि सीज फायर, पाकिस्तानी सीज फायर हुआ, क्योंकि ये इलाका थोड़ा सा जंगली इलाका है और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं जहाँ पर अगर आप एक बार कब्जा कर लिया तो आप एक बहुत ज़्यादा हाइट पर हो और सामने से आने वाली किसी भी मिलिट्री मूवमेंट को काउंटर कर सकते हो, ठीक है। यस करेक्ट, ही इज़ अ गैलेंट्री होल्डर एंड महावीर चक्र वॉज अवॉर्डेड टू ब्रिगेडियर उस्मान,
सो गाइस यहाँ पर ऐसी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजिक पीक थी जिस पर इंडिया को कैप्चर करना था, क्योंकि अगर इस इंडिया की इन पीक्स पर कैप्चर नहीं होता तो जितना भी डिफेंस हमारा इधर वैली पर अगर आप लगाते, जितनी भी तोपे बंकर्स आप लगाते, ये हाइट पर बैठकर सारी तोपों से हमारे सारे डिफेंसेस को काउंटर कर सकते थे। सो इन सारे स्ट्रेटेजिक पीक्स को कैप्चर करा हमने बहुत मुश्किल से। नाउ गाइस अगर मैं आपको बता दूं, हमारी जो फौज आज भी कश्मीर में लड़ रही है वो आतंकवादी नहीं है, टेररिस्ट से नहीं लड़ रही हमारी फौज। जो सबसे ज़्यादा लड़ा जा रहा है वो है वहाँ का वेदर, मौसम। ठीक है, सबसे बड़ी लड़ाई भारतीय फौज की किसके साथ है? मौसम के साथ, वेदर के साथ। इज इट क्लियर? क्योंकि यहां पर सर्दियों में दोस्तों इतना ज्यादा ठंड हो जाती है, -40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, इतनी ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड है कि यहां पर फौजी मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इंडिया की फोर्सेस ने तब भी ऑपरेशन इजी को चालू रखा और तब तक नहीं रुके जब तक सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हमारा कब्जा नहीं हो गया। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, जब हम आगे बढ़ते गए जो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है दोस्तों, वो है यहां पर जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी विच यू नो गिव्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री मूवमेंट। आज भी जोजिला पास की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है गाइस। अच्छा, मैं अगर इसको करंट अफेयर से जोड़ू, इस पुंछ लिंकअप को सेलिब्रेट करा जाता है हर साल। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले एक टनल का लॉन्च हुआ है यहाँ पर, एक ऑल वेदर टनल बन रही है यहाँ पर, जोजिला पास टनल इसका नाम है। ये पहाड़ों को बीच में से काटती हुई निकलेगी। ठीक है, पहाड़ों को बीच में से काटती हुई ये टनल निकलेगी और ये जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में, जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर देगी। और जब जोजिला पास टनल बन के तैयार हो जाएगी गाइज, इट विल बी द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। लगभग 14 किलोमीटर के आसपास की टनल है ये जो अभी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। सो जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़े लेवल पर कनेक्टिविटी का ये प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो उस टाइम पर भी गाइस इस जोजिला पास को कैप्चर करना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि अगर इंडिया आगे के कुछ सेक्टर्स को, कारगिल को, द्रास को, इस मैप में अगर कारगिल दिख रहा है आप देख सकते हो, ये रहा जोजिला पास, ये रहा कारगिल, ये रहा स्कर्दू, ये आपका गिलगित है। ठीक है, लेह। अब जब श्रीनगर में आपको पुंज वैली और ये सब कैप्चर करने के बाद जोजिला पास पर आपको कैप्चर करना था, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते थे अपने कारगिल को, अपने द्रास सेक्टर को, द्रास सेक्टर यहाँ है, लेह को कंट्रोल करना था आपको, यहाँ पर इसको इन सारे कबीलियाओं से, इन सारे मिलिशियाओं से फ्री करना था। ठीक है, अगर मैं इस इमेज पर सब कुछ हटाऊं और आपको दोबारा समझाऊं, ये देखो, ये रहा श्रीनगर, ये रहा आपका जोजिला पास, ये रहा आपका द्रास, ये रहा आपका कारगिल। सो इन सब तक पहुंचने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी? यहाँ पर जोजिला पास को कैप्चर करने की ज़रूरत थी। ठीक है, अब इस जोजिला पास को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत एग्रेसिव लेवल पर फायरिंग करी जा रही थी इस पूरे रीजन में। ठीक है, तब यहाँ पर जब कमांड सौंपी गई, ये कमांड मिली किसको? जनरल थिमैया को। ठीक है, जनरल थिमैया जो ऑलरेडी ब्रिटिश फोर्सेस में सर्व कर चुके थे और इनको एंग्लो जापान वॉर में भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इन्होंने और भी कई वॉर्स को लीड करा था अफ्रीका वगैरह में ब्रिटेन के लिए। ठीक है, इनको क्या करा गया? कमांड सौंप दी गई इस पूरे रीजन की। अब इन थिमैया भाई साहब ने अब तक का सबसे खूंखार प्लान बनाया पाकिस्तानी फायरिंग को कंट्रोल करने के लिए। वो प्लान क्या था? 11,516 फीट पर टैंक को पहुंचा डाला। ठीक है, टैंक को पहुंचा डाला इन थिमैया भाई साहब ने। इज इट क्लियर? इन 1948 टैंक कैसे पहुंचे यहां पर, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा यू नो
हैरान करने वाली चीज है. In 1948, he was one of the active officers in the action against the forces of Pakistan and in the conflict over Kashmir. His next appointment was the command of 19th Infantry Division in J&K, where he succeeded in driving the raiders of the Pakistan out of the Kashmir Valley. Now, how this was operated? This was operated under Operation Sparrow. ऑपरेशन स्पैरो में लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह को बुलाया गया स्टुअर्ट टैंक्स के ऊपर. ठीक है, स्टुअर्ट टैंक्स कौन से होते हैं आप देख सकते हो, ये है स्टुअर्ट टैंक्स. अब इतने बड़े भारी भरकम टैंक्स को इतनी हाइट पर पहुंचाना, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी. दूसरा, मौसम ने भी इस टाइम इंडिया की हालत ख़राब कर रखी थी. ठीक है, सो यहाँ पर कैसे प्लानिंग करी गई, इन टैंक्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, इनके टेरेट्स को, टेरेट्स का मतलब गाइस इनकी तोपों को अलग कर दिया गया, इनके बॉडी को अलग कर दिया गया, बड़ी बड़ी क्रेन्स पर इसको लादा गया. और ताकि पाकिस्तानी फोर्सेस को टैंक्स के बारे में पता ना चले, ये रात में मूव करते थे अपने टैंक्स को, दिन में उनको झाड़ियों में या कैमोफ्लेज में छुपा दिया जाता था. ठीक है, सो इतने बड़े टैंकों को जब अल्टीमेटली पाकिस्तानियों ने देखा इस हाइट पर, और जैसे ही उन्होंने अपने मिलिट्री जनरल्स को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी, उनके मिलिट्री जनरल्स ने रैदर उनके सारे पाकिस्तानी ऑफिसर्स को जो उस टाइम पर जोजीला पास के पास तैनात थे, उनको गालियां देना शुरू कर दिया कि तुम भरी दोपहर में दारू पी के बैठे हो, इज इट क्लियर, तुम नशा कर रहे हो, ये क्या मतलब है, टैंक इतनी हाइट पर आ ही नहीं सकते. बट जैसे ही पाकिस्तानी फोर्सेस ने टैंकों को देखा गाइस, यू नो ये हुआ, दे पीड देयर पैंट्स. ठीक है, पर्सनली लीडिंग द अटैक, थमैया साहब सबसे पहले वाले टैंक में मौजूद थे और उन्होंने इस पूरी टैंक रेजिमेंट को, स्टुअर्ट लाइट टैंक्स की 7th लाइट कैवलरी को लीड करा, एंड ही वॉज सक्सीडेड इन ड्राइविंग दीज रेडर्स फ्रॉम दिस एरिया, दैट इज जोजीला पास, इज इट क्लियर. एंड इवेंचुअली दे कैप्चर्ड ड्रास, कारगिल एंड ले. बाय द वे, ये 1 सिख कैवलरी ने एक प्लेज ली थी कि भाई हम 16 नवंबर 1948 को गुरु नानक जयंती को द्रास में ही मनाएंगे, बट अपने हौसलों के जरिए इन्होंने एक दिन पहले यानी 15 नवंबर को ही द्रास कैप्चर कर लिया था. सो दिस वॉज समथिंग विच हैवन बीन डन इन द वर्ल्ड टिल नाउ. आज तक वर्ल्ड में टैंकों का ऐसा यूज किसी भी फौज ने आज तक नहीं करा है एट दिस हाइट, 11,575 फीट की हाइट पर. ये अपने आप में भी खूंखार था. करेक्ट, पाकिस्तानियों ने जैसे ही देखा टैंकों को, जज्बात बदल गए, समय बदल गया, ओ भाई मारो मुझे मारो. सो ये सारे मीम्स उस टाइम पर हकीकत बन गए थे. करेक्ट कुणाल. ठीक है, नाउ गाइस, इस पूरे सिनेरियो में इंडिया की जो मिलिट्री पोजीशन थी वो स्ट्रांग होती गई, बट एक अलग डिप्लोमेटिक बैटल शुरू हो गई. अब प्रेशर बनने लगा कि सीज फायर करा दिया जाए, ये लड़ाई रुकवा दिया जाए. ठीक है, पाकिस्तान भागा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, उन्होंने चाटना शुरू करा. कहाँ पर? इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए, यूएन के पास, ब्रिटेन के पास, अमेरिका के पास, हर किसी के पास वो चौटने पहुंचे और बोला कि भैया बचा लो वरना ये पूरे प्लॉट कब्जा लेंगे. ठीक है, सो अब इसमें गलती नेहरू जी की भी मानी जाती है, उन्होंने ये इशू यूएन में रेज कर दिया. ठीक है, अब यूएन में आपको भी पता है डोमिनेंस किसका है दोस्तों. आज भी डोमिनेंस आप देखोगे यूएन में, यूएसए का है, ब्रिटेन का है. उस टाइम पर ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब का यूएस डोमिनेंस था, कनाडा, और ये सारी वेस्टर्न पावर लगभग एक ही जुट थी. ठीक है, तो नेहरू ने ये इशू यूएन में रेज करा, यूएन का इन्वॉल्वमेंट हो गया और सीज फायर के ऊपर प्रेशर आने लगा. अब इंडिया का जो ये एग्रेसिव कैंपेन था अपने टेरिटरी को फ्री करना, वो अंडर इंटरनेशनल प्रेशर आ गया और इंडिया की फोर्सेस को डिफेंसिव फ्रंट पर आना पड़ा. यानी अब हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते थे. नाउ एज द वॉर वॉज अप्रोचिंग सीज फायर, पाकिस्तान ने
अपने अटैक्स को बढ़ा दिया। उनको भी पता था सीज फायर होने वाला है, कुछ महीनों में सीज फायर होगा, तो उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, और ज़्यादा अटैक बढ़ा दिए। इतने ज़्यादा अटैक करने शुरू कर दिए, उनका ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर लिया जाए। स्पेशली एक बहुत बड़ा अटैक उन्होंने करा 14 दिसंबर को, कहाँ पर, नौशेरा में। 1948 में नौशेरा ने एक हैवी आर्टिलरी फायर करा, लगभग 5000 से 6000 आर्टिलरी गोले दाग दिए गए 9 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान की तरफ से। अब इंडिया इसका डिफेंसिव था, बट इंडिया ने भी गरजा दिया, और जब इंडिया गरजा तो भाई बहुत ज़्यादा लेवल पर हमने डिस्ट्रक्शन दे दी थी पाकिस्तान को नौशेरा रीजन में। ठीक है, आज भी देखोगे आप नौशेरा रीजन में, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ थी, पीओके रीजन के कितने सारे लॉन्चिंग पैड को इंडिया ने अपनी आर्टिलरी फायर से फोड़ दिया। ठीक है, सो ये 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ये नौशेरा आज भी एक्टिव है। मैंने आपको बताया था नौशेरा की लोकेशन देख लो, ये रहा नौशेरा, यहाँ पर आज भी ट्रिगर होती है सीज फायर वायलेशन। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज हैपन्ड एट दैट टाइम। नाउ गाइज, इस टाइम तक ब्रिटेन अपनी चाल चल रहा था, इसकी जो ग्लोबल रेपुटेशन थी, द ग्लोबल रेपुटेशन ऑफ ब्रिटेन एज अ सुपर पावर वॉज फॉलिंग। आपको भी पता है 1947 तक ब्रिटेन की हर तरफ से हालत बुरी हो चुकी थी। नाउ इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। कैसे? क्योंकि हाल ही में अभी इसराइल भी बन चुका था गाइज, इसराइल की भी जो नींव है ना, वो भी ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर ये नींव बनी और एक अलग देश बना इसराइल। ठीक है, अब पूरा जो अरब वर्ल्ड था, जो पूरा मुस्लिम कंट्रीज थी, वो ऑलरेडी इन वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट थी। तो इस वॉर में अगर गलती से भी इंडिया को सपोर्ट कर दिया जाता ब्रिटेन के द्वारा, तो जो भी अरब कंट्रीज थी वो सारे इनके ब्रिटेन के अगेंस्ट हो जाते। गेम समझ आ रहा है आपको? मैं दोबारा समझाता हूँ। इस टाइम पर सारा वेस्टर्न वर्ल्ड एक था, ब्रिटेन उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, बट इसराइल भी देश 1948 में बन के तैयार हुआ। इसराइल भी एक अलग लड़ाई है जो रिलीजियस लड़ाई से बना, ज्यूज और मुस्लिम्स। अब क्योंकि ब्रिटेन के इंटरेस्ट थे अरब वर्ल्ड में, इनको रिसोर्सेज चाहिए थी भाई, आज भी रिसोर्सेज चाहिए, पेट्रोल। तो ये अरब कंट्रीज को नाराज नहीं करना चाहते थे कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मुसलमानों के अगेंस्ट है। सो इन्होंने पूरी कोशिश करी यूएसए, कनाडा और फ्रांस को इन्फ्लुएंस करने की, बट एंड में यूएसए थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया था, वरना फ्रांस और कनाडा तो एग्जैक्टली ब्रिटेन का सपोर्ट कर रहे थे। अब इंडिया ने जो सीज फायर डिमांड करी थी वो थी विदाउट एनी कंडीशन, भाई हम सीज फायर करने को तैयार हैं, हम शांति प्रिय देश है, जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में ये सब जाके बोला। बट ऑन द ग्राउंड जो ग्राउंड रियलिटी थी, हमारे सारे मिलिट्री जनरल्स ये चाहते थे कि पूरा J&K इन इन्फिल्ट्रेटर्स के जरिए फ्री करा दिया जाए, और थोड़ा अगर हमें हमारी फौज को समय मिल जाता तो आज पूरा J&K हमारा होता, साथ में ये टेररिज्म प्रॉब्लम भी नहीं होती। ठीक है श्रीकांत, आई डू टेक अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस ये वीडियो को आप देख रहे हो, इसी की प्लेलिस्ट में आपको अदर सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो इस वीडियो का, और सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि हाउ आई एम टीचिंग, क्या क्या मैं अगले हफ्ते लेके आने वाला हूं। अच्छा, सो गाइस, 9 नवंबर 1948 को सीज फायर एग्रीमेंट पास कर दिया गया यूनाइटेड नेशन में, और इसको लागू कर दिया गया 31 दिसंबर 1948 से। ठीक है, इस दौरान अगले ही साल कराची एग्रीमेंट साइन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स गए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स गए, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स गए, और उन्होंने यूएन के प्रेजेंस के अंडर एस्टैब्लिश करा एक सीज फायर लाइन, जिसको आज आप LOC के नाम से जानते हो। ठीक है, और ये भी डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान की हिसाब से LOC नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पाकिस्तान इस LOC को बोलता है वर्किंग बाउंड्री, और इंडिया इसको बोलता है लाइन ऑफ कंट्रोल।
ठीक है। सो आज तक ये हमारी वर्किंग बाउंड्री पर तनाव मेंटेन्ड है, ठीक है। दिस वॉज द फॉलोइंग 1947 वॉर, इट एस्टैब्लिश अ सीज फायर लाइन विच हैज बीन मॉनिटर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सिंस देन। आज भी यूएन की निगरानी के अंडर ये सीज फायर वायलेशन को या सीज फायर को लाइन को कंट्रोल करा जाता है। अच्छा, इस कराची एग्रीमेंट में असली में जो साइन हुआ था वो ये तीन चीज़ें साइन हुई थी, तीन फेज में सीज फायर जो आपका सीज फायर करा गया वो तीन फेज में एस्टैब्लिश करा गया कि कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे दोनों पार्टी एग्री करेंगी। सबसे पहले फेज में डिसाइड करा गया कि पाकिस्तान सबसे पहले अपने सारे ऐसे लोगों को, आतंकवादियों को या लश्करों को वापस लेके जाएगा जो कि यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो अगले फेज की कार्रवाई शुरू होगी, फेज टू चलेगा। इस फेज में क्या होगा, जब पाकिस्तान ये सब कर लेगा तब वंस द पाकिस्तानी लश्कर रिट्रीटेड इंडिया विल रिड्यूस द मिलिटराइजेशन ऑफ कश्मीर। इंडिया में मिलिट्री प्रेजेंस कम कर दी जाएगी, सिर्फ उतनी चीज़ें, उतनी फोर्सेस रखी जाएंगी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये सब करने के बाद तीसरे फेज में प्लेबिसाइड कंडक्ट करा जाएगा, जनसंग्रह कंडक्ट करा जाएगा जो कि J&K के सारे लोग वोट करेंगे, जिसमें वो क्या डिसाइड करना चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, ये जनसंग्रह के साथ डिसाइड करा जाएगा। अच्छा, जो यूनाइटेड नेशन है वो ये कहता है कि इंडिया पहले फोर्सेस को खाली करे। उन्होंने ये रेजोल्यूशन 47 भी बनाया, इसमें काफ़ी पॉइंट्स ये सारे भी थे बट इन्होंने अपने अलग पॉइंट्स भी जोड़ दिए। अब इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को मानने से मना कर दिया, क्यों, क्योंकि इस रेजोल्यूशन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यानी जो हरि सिंह ने इंडिया के साथ साइन करा था उस टाइम, उसको किसी ने कंसिडर नहीं करा। उस टाइम के राजा ने इंडिया के साथ साइन करने का फैसला ले लिया था, कश्मीर J&K को इंडिया की टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था, तो इलीगली पाकिस्तान ने उसको कैप्चर करा है और हम पर बोला जाता है या आरोप लगाए जाते हैं कि हमने उसको मिलिटराइज कर रखा है, ठीक है। सो ये पहली दूसरी शर्तों पर किसी का ध्यान ही नहीं है। पाकिस्तान जो ज़्यादातर बोलता है वो ये बोलता है कि भाई जनसंग्रह करवाओ, प्लेबिसाइड करवाओ, प्लेबिसाइड करवाओ। और इसके बाद से लेकर आज तक यहाँ पर पॉलिटिकल टसल चलता जा रहा है, हर कोई अपनी पॉलिटिकल राजनीति कर रहा है, ठीक है। आपको भी पता है J&K की पॉलिटिक्स अपने आप में खूंखार है, बट इस पॉलिटिक्स को एंड कर दिया गया आफ्टर द रिमूवल ऑफ 370 आर्टिकल। अब ये डायरेक्ट कंट्रोल में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बहुत जल्द दोस्तों POK भी इंडिया के कंट्रोल में आएगा, और POK क्या, ये जो हमारी नजायज़ औलाद है पाकिस्तान, ये भी इंडिया से बहुत जल्द वापस मिलेगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वापस इंडिया के साथ मिलने को एडवोकेट करते हैं कि भाई वी शुड बिकम वन कंट्री अगेन। आ रहा है समझ? सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ इंडिया एंड इट वॉज इन शॉर्ट बेसिकली, ठीक है। दिस वॉज अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1948, 47, 48, ठीक है। सो आपने देखा इसमें बहुत सारे वॉर हीरोज रहे, इसमें टोटल इंडिया के काफ़ी कैजुअल्टीज हुई, 6000 सैनिक हमारे घायल हुए, लगभग 1000 सैनिक के आसपास हमारे मारे गए, बट पाकिस्तान के हमने लगभग 22000 के आसपास कैजुअल्टी करी थी और 8000 के आसपास उनके बंदे मारे गए थे। करेक्ट, POK 5 अगस्त 2021, सशीमा, यस यू हैव क्रैक्ड अ गुड जोक। एनीवेज, सो गाइस, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो फटाफट इसको लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और आज का मोटिवेशन उन सारे शहीदों के नाम, उन लॉयन हार्ट के नाम, उन माताओं बहनों के नाम जिन्होंने ऐसे सपूतों को पैदा करा, ठीक है, और उनको
उन उस गौरव के नाम जो जो इस देश के लिए कुर्बान हुए। ठीक है, आज का मोटिवेशन एक बहुत ही फेमस कविता जो आपने सुनी होगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, ए शहीद ए मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चा गैर के महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, खींच कर लाही है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों को आज जमघट कूचे का तिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। सो गाइस, दिस वॉज अ मोटिवेशन फॉर ईच एंड एवरी वन दैट वी आर वॉचिंग। वी शुड सल्यूट टू दोज ब्रेव हार्ट्स हु हैज फॉलन फॉर दिस नेशन, who has given the sacrifices of this for this nation, and we will continue to do so. ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर आपको देशभक्ति के लिए कोई भक्त कह देता है। ठीक है, ऐसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने को नहीं कह रहा मेरे दोस्तों, बट अपने देश के आगे इन सब छोटी राजनीति को साइड रखना और किसी भी तरह की यू नो नेगेटिविटी अपने अंदर मत आने दीजिएगा। ठीक है, ये देश आपके और मेरे जैसे लोगों की वजह से ही बना है और आगे चलेगा भी हम जैसे लोगों की ही वजह से। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बैचेस के बारे में बता दूं। श्रीकांत, अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक पॉलिटी का बैच शुरू हो चुका है, 4 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी, शाम को 6:30 बजे चल रहा है। मैं बाकी सारे क्लासेस भी, बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको कराता हूँ और बाकी टीचर्स बाकी सब सब्जेक्ट्स करा रहे हैं। ठीक है, सो बैच चालू है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आज ही, कोड का इस्तेमाल करना है आपको अंशुम। मेरे YouTube सेशंस और अदर जो GSK लेक्चर्स हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर रोज़ मैं 11 बजे लाइव आता हूँ। ठीक है, हर रोज़ 11 बजे लाइव आता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप कन्फ्यूज़ हो तैयारी शुरू कैसे करनी है आप मैसेज कर सकते हो मुझे इस नंबर पर। ठीक है, CDS एग्जाम की तैयारी शुरू कैसे करनी है, SSB की तैयारी कैसे शुरू करनी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म। अंटिल द यूनिफॉर्म टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसे ज्वाइन कर लो, मेरे सारे लिंक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको ये कोड अप्लाई करना होगा। वेरी गुड श्रीकांत, क्या बात है, बहुत खूब। करेक्ट आदित्य, वो बिल्कुल पूरे J&K का था, जो आज J&K आप देख रहे हो वो पूरे J&K के लिए था। अच्छा मैं आप सबको बता दूंगा इस, कल से मैं आपके लिए, सॉरी मंडे से 11 बजे मैं आपके लिए क्या इंट्रोड्यूस करूंगा, डिफेंस का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं ये सब आपको हेल्प करेगा, एक्सक्लूसिवली करंट अफेयर्स फॉर डिफेंस ओनली। ठीक है, सारे डिफेंस के करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, इज इट क्लियर। अच्छा कल संडे को एक डाउट सेशन है, पॉलिटी में अगर कोई डाउट है जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है आप आ सकते हो, फ्री फॉर एवरीवन, लिंक मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मंडे टू फ्राइडे 5 बजे SSB का सेशन ये होगा। सो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी साथियों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना और उनको लाइक करने के लिए जरूर बोलना। ठीक है, उनको लाइक करने के लिए जरूर बोल देना, और आप भी जिसने भी अभी तक इसको लाइक नहीं करा है दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और लाइक कर दो वीडियो को।
बहुत खूब रौनक, बहुत खूब। सो दोस्तों, इसी पॉजिटिव सोच के साथ दैट आप लोग बहुत जल्द भारतीय फोर्सेस में ऑफिसर बनेंगे, इस सेशन को अब हम ख़त्म कर रहे हैं। सुरभि, दिस सेशन इज़ ऑलमोस्ट ओवर डियर। आप इसकी वीडियो दोबारा देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये मेरा टेलीग्राम नंबर और टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अरे आदित्य भाई, ये बात होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी दिक्कत क्या है, उनको इंग्लिश नहीं आती है ना। सो जहां पर भी इंग्लिश की जरूरत होती है वो यही कहते हैं भाई बॉयज प्लेड वेल। सो उनको ये सब इंग्लिश में हुआ था, इंग्लिश में सब कुछ साइन हुआ है, उनको समझ नहीं आता है ये सब, तो भाइयों को समझाना पड़ता किसी और भाषा में, ठीक है। चलो टिल देन दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलेंगे अब हम शाम को 6:30 बजे पॉलिटी क्लास के लिए। यस डियर यश, कुछ कर नहीं सकते हम उसमें, बट धीरे धीरे यस द सॉल्यूशंस विल बी। मेन सॉल्यूशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट। आप नौकरी दे दो वहाँ के यूथ को, किसी के पास फालतू तो टाइम ही नहीं होगा। सबको अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन दिला दो अंशुम का कोड के साथ, सब पढ़ते रहेंगे, टाइम ही नहीं होगा फालतू बात करने का किसी के पास। गेम समझ आ रहा है आपको? सो दिस इज द गेम। एनीवेज टिल देन आई विल सी यू गाइस टुमारो। जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए दोस्तों, सपने जरूर सच होंगे, एंड एट द एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।